لله وحده والصلاة والسلام على ما نبي بعده मेरे पाकिस्तान के हर कोने से आए हुए इमरान खान साहब के टाइगरों और उनके जुनून आज के इस तारीख जलसे के निकात पे आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज इमरान खान साहब का जज्बा बोल रहा है आपके सामने, इमरान खान साहब के टाइगर है, इमरान खान साहब का जुनून है मेरे सामने। वो लोग जो कोशिश करते थे इस्लामाबाद में इन लोगों से ज्यादा कंटेनर रखे, उन्होंने कानून साजी की, कह रहे थे कि हमने इस्लामाबाद को पिंजरा नहीं बनाना, आज उन्होंने इस्लामाबाद को पिंजरा बना के दिखाया। पठान का जुनून अपर भी आया और आज बोल रहा है इस जमे गफीर में। ये हुकूमत जो कानून साजी करती है, ये जाली हुकूमत, ये फॉर्म 47 की हुकूमत कानून साजी करती है तो रात के अंधेरे में कानून साजी करती है तो अपने आप को इनारो देने के लिए। अब इनारो का वक्त खत्म हो गया, अब मानना पड़ेगा इमरान खान साहब एक हकीकत है, इसको कबूल करना पड़ेगा। ये 90 की दिहाई नहीं है जिसमें कि सियासत में से किसी को माइनस करे। अब इमरान खान माइनस की सियासत कभी भी तारीख में नहीं हो सकती। इंशाल्लाह इमरान खान ते है और इंशाल्लाह तेरा लीडर रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, इस हुकूमत ने, इनके कारिंदों ने 8 फरवरी को आपके मैंडेट पे डाका डाला। आज देखो दुनिया की हिस्ट्री यही सिखाती है हमें कि जिस मुल्क का लीडर करप्ट हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज देखो बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, आज देखो अदलिया में नई कानून साजी की कोशिश की जा रही है, मर्जी के जजेस लगाए जा रहे हैं, जजेस की मुद्दत मुलाजिमत बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाजे करना चाहती है अब वो वक्त नहीं रहा। इंशाल्लाह ताला मर्जी के कोर्ट बनाना, मर्जी के पैसे ले लेना, मर्जी के जज लगवाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई कबूल नहीं। इंशाल्लाह हम उसकी मुखालिफत भी करेंगे और इस पे एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह। हम आपको बताएं एक बात याद रखो, खान साहब वही लीडर है आपका जो कहते थे न खुद झुकूंगा न आप लोगों को झुकने दूंगा। वो आपके लिए विजन रखते हैं, वो आपके लिए स्ट्रगल करते हैं, वो आपके हकूक के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द बाहर आएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान साहब एक बार फिर आप में होंगे, इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। दो सौ से ज्यादा केस बनवाए गए, 40 दहशतगर्दी के पर्चे करवाए गए, जेल में डाला गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को धक्के दिए गए, बुशरा बीबी को मैनहैंडल किया गया, ये पावर कराने की कोशिश के कि लोग भूल जाएंगे। लोग भूलने वाले इमरान खान साहब और इसके नजरिए को भूलने वाले नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये हम वाजे करना चाहते, खान साहब के खिलाफ मजेद किसी केस का बनाना, उसको अपनी मर्जी के अदालत में ले जाना, अपनी मर्जी का फैसला लेना हमें कबूल नहीं। हम इलेक्शन कमीशन के 22 फैसलों के तरह आइंदा ये फैसले नहीं मानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है, ये 22 फैसले हम नहीं मानेंगे। हम पूरे मुल्क के लिए निकले हैं, जमहूरियत के लिए, इस महंगाई के खिलाफ, कानून कानूनियत के खिलाफ, हम इस जुल्म के खिलाफ निकले हैं, ये जुल्म के अंधेरे के खिलाफ हम निकले हैं। लेकिन वो लोग
जो इख्तदार के कॉरिडोर की चाबी रखते हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं, अपने कौम और मुल्क के बारे में सोचो। इस जमे गफीर को देखो, इन लोगों को अकलियत ना समझना, इस लोगों के आवाज को मत दबाना, इन लोगों को गैर अहम मत समझना, रास्ते मत बंद करो, रास्ता निकालो पहले इससे कि मुल्क बंद गली में चले जाए। प्लीज रास्ता निकालो, ये याद रखो, जिसने कौम की आवाज को दबाया है वो वहां कौम मुल्क नहीं रहती, वहां कोई इदारा नहीं रहता। हमारी कोशिश ये, खान साहब 6 महीने तक इस जलसे का हम इंतजार करते रहे, यही खान साहब का कहना था, हमने जलसा करना है तो कानून के मुताबिक एनओसी के साथ करना है। आज हर जगह कंटेनर पड़े थे, लेकिन खान साहब के टाइगर फिर भी पहुंचे। इंशाल्लाह खान साहब की आवाज पे लब्बे कहेंगे और खान साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला रिहा होंगे। ये सारी कौम गवाही दे रही है कि ये सारी कौम किसके साथ है, कैदी नंबर 804 के साथ है, कैदी नंबर 804 के साथ है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।